सासुमा ने फिर पत्थर उठा लिया है, ये देखो फिर दिखाने लग गई पहाड़ी आइडिया ये। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। कैसे हो गाइज, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज की ब्लॉग की शुरुआतिंग हो गई है, अभी टाइम लगभग 9 बज रहा है। और मौसम की बात की जाए तो मौसम भी अच्छा हो रहा है। और सुबह सुबह तो जब मैं सुबह उठी थी 7 बजे, तब काफ़ी कोहरा लगा था, ऐसा लग रहा था कि आज बिल्कुल भी धूप नहीं आएगी। मैं तो डर गई थी कि आज धूप नहीं आएगी तो फिर कपड़े कैसे सूखेंगे। और ऐसा कुछ है, अभी देखो नए साल की तरह मौसम भी काफ़ी अच्छा नया नया हो गया है, और सुबह के बजाय काफ़ी अच्छा हो गया, धूप आ चुकी है अच्छे से। और मैंने पूरे कपड़े भी ऐसे बाहर डाल दिए सुखाने के लिए, ऐसे कम्बल अम्बल धो रखे थे ना मैंने परसों, ये बाहर गए थे तो फिर वो सूखे नहीं थे, वो मैंने सुखाने डाल दिए हैं। और मैंने ये देखो कैसा जुगाड़ लगा रखा है रस्सी का, क्योंकि टांगने के लिए कम जगह है, तो फिर मैंने रस्सी मंगाई इनसे और मैंने पूरे चारों तरफ रस्सी बांध के रख दी। ये देखो आपको दिख रही होगी, ये ऐसे रस्सी बांध दिखी। और आज मैंने अभी तक कपड़े नहीं धो रखे हैं, अभी देखती हूँ अगर मेरा मन करेगा तो धोऊंगी, नहीं तो कल मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े धो दिए तो शायद आज नहीं भी धो सकती, ऐसा कुछ हो। और लगभग सारा काम हो चुका है, बस मैंने नहाना है और हो गया, नाश्ता करना है, नहाना है। और गाइस अभी मैंने कपड़ों में प्रेस भी करनी है, इनके कपड़े ऐसे रखे पड़े हैं 2-3 दिन से, 2-3 जोड़ी कपड़े हैं जो मैंने प्रेस करने के लिए रखे हुए हैं, अभी प्रेस भी करनी है। और ये तो सुबह ड्यूटी चले गए थे, मॉर्निंग में ही 6:30-7 बजे चले गए थे, और इनको नाश्ता वास्ता करवा के मैंने सुबह ही भेज दिया, क्योंकि इन्हें लेट हो जाती है तो फिर मुझे डांट पड़ती है ना इनकी, बोलते जल्दी नहीं नाश्ता बनाती, इसलिए सुबह चला गया है। देखिए ये है मैक्स, हेलो बोल, हेलो बोल, हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग कर, गुड मॉर्निंग कर, पहले इधर आ, इसको ना खेलने के लिए चाहिए बस, गुड मॉर्निंग कर, गुड मॉर्निंग, हाँ ऐसे करते हैं, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। ये हमारा प्यारा सा मैक्स हूँ जो कि शैतान है, बहुत शैतान है तू, तू अच्छा बच्चा नहीं है, नहीं है अच्छा, अच्छा नहीं है तू, अच्छा है फिर, अच्छा है, अच्छा है, देखो अच्छा है तो पास आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और सासू माँ भी धूप सेकने के लिए बैठ गई है छत में, अभी अभी धूप आई है तो सुबह सुबह भी धूप ले लेते हैं, उसके बाद और काम करेंगे। और इधर साइड से ऐसा है कुछ, इसको दबा दूँ, दबा दूँ मैं एक्शु को, हैं मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, 10 बज गए हैं और मैं ऐसे गपशप मारने में रह गई, अब मैं जा रही हूँ सीधे नहाने, और आप लोग बने रहना, मिलती हूँ उसके बाद। नहाना धोना हो गया गाइस, अब मैं थोड़ी देर धूप में बैठ गई थी और अब मैं दिन का खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए ये मैं पालक अपने गार्डन से काट के लेके आ गई हूँ, ऐसे एक निकाली, और थोड़ा सा मैंने दाल भिगा के रखी है, दाल पालक बनाएंगे और रोटी बनाएंगे, चलो मैं बनाती हूँ फिर। और आप लोग और क्या बोलूँ मैं, यही गाइज मैं सो के उठ गई हूँ, अभी शाम का टाइम है, टाइम लगभग 4:30 बज गया होगा, काफ़ी ठंडा ठंडा लग रहा है। मैंने दिखाया अपना पहाड़ी जुगाड़, पत्थर से लकड़ियाँ तोड़ दी सारी, ये देखो ठंडा हो रहा है, मतलब इसका मतलब देख लो, और जा रहे हैं और लाती हूँ और तोड़ती हूँ। देखो सासू माँ और चलेगी, अब बड़ा वाला लकड़ा लाने चलेगी। सासुमा दूसरी लकड़ी लेके आ गई है, फिर बोल रही मैं इसको भी तोड़ के दिखाऊंगी, तोड़ने के लिए कुछ नहीं है। ये देखो ये सासुमा ने फिर पत्थर उठा लिया है, ये देखो फिर दिखाने लग गई पहाड़ी आइडिया ये। सासुमा लकड़ी तोड़ रही है और बहू वीडियो बना रही है, ये देखो घर वाले देख लो कॉल, चलो पंजाब जावे, बहुत जवानी आ गया कॉल।
बाहर मुझा दे रहा है पानी, गूंद हो रहा मुझे, मैं यहां में रोज है भाई। मैं बोल रही हूँ घर वाले ना वीडियो देखेंगे, बोलेंगे वहाँ जाके जवानी आ गई पंजाब जाए। वो तो ना ढोंगा छटकन था कौन, हाँ देखो 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 सासू माँ बनी है मेरी कैमरामैन, और मैं कर रही हूँ लहसुन की बुराई। ये देखिए ऐसे नीचे को लगाओ तो ये देखिए लहसुन में गुड़ाई कर रहे हैं, बहुत टाइट हो रहा है, कोई हेल्प नहीं करा रहा है, हंस रहे हैं बस मेरे ऊपर। कोई कौन हेल्प कराएगा, बहुत टाइट हो रहा है। अरे सच में हेल्प कराने वाले तो बहुत हैं लेकिन कोई करा नहीं रहा है, हंसते जा रहे हैं। कुटले उठ रहे हैं तो मेरा कोटला दुन्नी गयो यश हो गयो भीड़ खेत कौन ना भी उन खाई जी आलू भरी। चलो गाइस मैं गोड़ती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ कैसे गोड़ा मैंने। बाय। ये देखिए हमने छत में आग जला दी है और आज है आग जलाने का वो, हमारी शबा बैठी है यहाँ पे, रोज जाया करो। ये देखो दोनों भाई दो रहा, ये देखो दीदी बोल रही थी, बोल रही मैं यहाँ कोई नहीं है कोशिश कर रहा है। ऊपर उठा के दिखाओ पहले मुझे, दिखाओ कैसा बन गया बनाएगी। ये देखो ये शकरगंज बना दिए, क्या है कोयले बना दिए, देखो पूरे जल गए। ये आग सेक लो, जला दिए सब, प्लेट लेके आओ और जोर से बोलो। गाइस बहुत धुआं लगा दिया अंदर, नए साल में बाप ने ऐसा हो गया ना, एक बार खड़े उठ के अंदर को देख यार भरी बने निकलता है चलता है। वो गेट खोलो आप और एग्जॉस्ट फैन चलाओ किचन का। बाप रे इतना धुआं लगा दिया ना दीदी ने तो हद कर दी। भी बाहर नहीं इतना धुआं लग गया ना, आग क्या जलाई, आग तो बाहर जलाई थी, अंदर आके धुआं लग गया। हम दो ही जने हैं, हमें मारने के विचार में लगे हो क्या आज? जैसे हम आग से बाहर निकले रोड में आ गए हैं, दूध लेने जा रहे हैं अभी, और इतना ठंडा हो रहा है ना बाहर, और देखो पूरा कोहरा कोहरा लग चुका है अच्छे से, और बहुत ठंडा हो रहा है सच में बता नहीं सकती। और ये लोग मुझे छोड़ के चले गए हैं और अकेले अकेले जा रहे हैं, और ये दूध लेने जा रहे हैं लाइट जला के, दिख नहीं रहे खाली ऐसे लग रहा छाया जैसी जा रही है, बहुत ठंडा है यार बाहर। बाबू खाना पीना खा लिया है और टाइम अभी लगभग 8:30 बज रहा होगा, और आज मैं और सासू माई थे घर में, हस्बैंड जी तो कहीं बाहर गए हुए हैं तो हम दोनों ही थे, तो जल्दी से हमने खाना वाना बनाया और खा लिया, और यहाँ पर जला रखा है हीटर, कनिस्टर बंद करके हीटर जला दिया हमने, अब एक रोड जला रखी है हीटर की, और ठंडा बहुत हो रहा है अभी बाहर, इतना ज़्यादा कोहरा लग गया ना मैं बता नहीं सकती हूँ। सासुमा कर दिए दूध गर्म और मेरा दूध गर्म हो गया, एक गिलास आ गया मेरे, और मैं पी रही हूँ दूध। चलो गाइस इस दूध पीने के साथ साथ ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं, अब काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप